हेलो प्रभु यीशु मसीह अब सभी को आशीष दें शैतान वास्तव में शुरुआत में तो वो बहुत सुंदर स्वर्गतों में से एक था लेकिन परमेश्वर के सृष्टि होने के नाते परमेश्वर के समान बनना चाह और इतनी लालसा करके पाम में गिरा स्वर्ग से गिरा दिया गया अपने पोजिशन को न समझते हुए इतना घमंद होके न्याय मिला उसको और अंत में आग की मौत में डाले जाने के नियति में है हमारे जीवन को सचमुच में बुद्धि के साथ जीना है तो बुद्धि क्या होता है बुद्धि यह है कि अपने को सही तरीके से परखना मैं कौन हूं मनुष्य कौन है इसके बारे में सही तरीके से जानना है जो विकासवादी है या कम्युनिस्ट लोग हैं मनुष्य को तो जनवर के रूप में तत्व के रूप में देखते हैं इसलिए मनुष्य को ऐसे दिल करता है खोड़िया के जो सिविल वॉर में लड़ाई में कम्युनिस्ट लोगों ने तो लाखों लोगों की हत्या कर दी है ये नेचुरल बात थी उनके लिए कुछ लोग तो मनुष्य के स्वभाव को ईश्वर के एक अंग के रूप में समझते हैं ऐसे सिखाते हैं लेकिन वास्तव में मनुष्य परमेश्वर नहीं ईश्वर का एक भाग नहीं है मनुष्य सच में सृष्टि है और पापी भी है सृष्टि होने के नाते शैतान पर के ऐसे सामान बनना चाह उससे क्या फर्क होता है अगर मनुष्य अपने को ईश्वर कहता है तो ये सबसे बड़ा खमंड है बाइबल क्या बताते हैं मनुष्य के बारे में बताती है कि मनुष्य सृष्टि है परमेश्वर ने बनाया लेकिन दूसरे जनवर से अलग होता है क्यों क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया लेकिन मनुष्य का दुख तो की आज्ञा का पालन न करने से शुरू हुआ आज्ञा को तोड़ दिया पाप में गिरा उनका पतन हो गया और अनंत जीवन को खो दिया और नरक की आग में तो बिल्कुल पीड़ित होने वाली नियति में है इसलिए मनुष्य को सचमुच में मुक्ति की आवश्यकता होती है बुद्धि मनुष्य को सही तरीके से परखने के लिए इस तरह मदद करती है परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दृष्टिकोण ये है। इसलिए मनुष्य क्या है मनुष्य परमेश्वर के बुद्धि पर निर्भर रहने वाले अस्तित्व है मनुष्य को हमेशा हमेशा परमेश्वर पर भरोसा पर रखना है इसलिए आज के वचन के उपदेश का शीर्षक है बुद्धि और सीमा आज के वचन सब उपदेश साथ अध्याय ग्यारह से लेकर चौदह तक बुद्धि पौती के साथ अच्छी होती है जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी हैं क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपया की आड़ का काम देता है परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर जिस वस्तु को उसने टेहरा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न भूल सके पॉइंट बुद्धि से प्राण की रक्षा होती है पैसों के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं पैसों के द्वारा अच्छा काम भी कर सकते हैं पैसे सचमुच में बहुत लाभ तो भेजते हैं पैसे के द्वारा बहुत कामों को खबर कर सकते हैं इसलिए आज के बच्चों में रुपया की आड़ इस तरह शब्द प्रयोग किया गया है और पुती की आड़ को रुपया के आड़ से तुलना करते हैं लेकिन पैसों में समस्या हैं लोग पैसों की वजह से पाप करते हैं पैसे उड़ भी जा सकता हैं लोग पैसों से प्यार करते हैं पैसों के दास बन जाते हैं पैसों के द्वारा लोगों के समान टूट जाता है इसलिए सोलोमन पैसों के आर को उसके लाभ को तो पार करके बुद्धि के प्रशंसा करते हैं क्या उत्तम है किस बात में क्योंकि बुद्धि के द्वारा प्राण की रक्षा हो जाती है अगर कोई बीमार है तो मेडिकल जो बुद्धि को देख लीजिएगा और अगर कोई तो दुर्गात्रा से बचाने वाले हैं तो वैज्ञानिक बुद्धि भी वहाँ हैं और मनुष्य के खतरा के समय में तो बुद्धि के द्वारा तो प्राण की रक्षा होती है इसलिए बुद्धि उत्तम है क्योंकि प्राण की रक्षा बुद्धि से होती है सब प्रदेशक तो अध्याय तेरह में इस तरह लिखा है कि उजाला अंधियारे से जितना उत्तम है उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है क्या आप पैसे और सक्सेस के पीछे चलते हैं या बुद्धि की तलाश करने वाले जीवन है परमेश्वर की बुद्धि से अनंत काल की रक्षा होती है परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमारे जीवन के लाभकार के होने के लिए बुद्धि की आशीष दी है लेकिन परमेश्वर की सर्वोत्तम बुद्धि है अनंत जीवन के बारे में परमेश्वर ने मनुष्यों के दिल के अंदर अनंतता की लालसा करने का मान दिया है हमारे शरीरिक जो शारीरिक जो मृत्यु अंत नहीं क्योंकि मृत्यु के बाद अनंत काल है इसलिए जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो इस आने वाले अनंत काल की तैयारी अच्छी तरह करते हैं वो बुद्धिमान है पर के सबसे पहले किताब उत्पाति में तो मनुष्य के बारे में ऐसे वर्णन है मनुष्य कौन है मनुष्य अनंत जीवन के लिए बनी हुई सृष्टि है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया के बगीचे में रखा है उसके अंदर तो जीवन का पैर भी था लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया उस जीवन के पैर के फल को खाने के लिए मौका तो उड़ गया और मनुष्य मरने लगा इसके बारे में उत्पाति तीन बाईस चौबीस से है कि फिर यौवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ भरा कर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर कारोबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला माया तलवार को भी नियुक्त कर दिया और बाइबल के अंतिम किताब प्रकाशित वाक्यों में बाईस से एक दो में इसरा लिखा है कि हम फिर से उस जीवा के पैर को देखते हैं फिर उसने मुझे की सी जल जलकती हुई जीवान के जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमुने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था उसमें बारह प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस पेड़ के पत्तों से जाति जात के लोग चंगे होते थे हम इस अनंत जीवन को कैसे पाए युवा सत्रह तीन में ने कहा कि और अनंत जीवन यह है कि वह अद्वैत सच परमेश्वर को और ईशु मसीहा को जिसे तूने भेजा है जाने पॉइंट परमेश्वर की प्रभुता की अटलता में रहना है जो परमेश्वर ने निश्चित किया है कोई नहीं बदल सकता किसी ने सूर्य को चांद को और तारागानों को बनाया यह हुआ परमेश्वर ने कोई बदल सकता है नहीं किसने आपको बनाया आपको इंसान बनाया यह हुआ परमेश्वर ने कोई बदल सकता है नहीं किसने मानव जाति के पापों को अपने बेटे के कंधे पर लाद दिया है और हमारे लिए मुक्ति का एक मात्र बना दिया है यहा परमेश्वर ने कोई बदल सकता है नहीं कौन सचमुच में उन लोगों को जो अपने बेटे पर विश्वास नहीं करते हैं नरक की आग में डाल सकता है यौवा परमेश्वर कोई बदल सकता है नहीं इसलिए तेरा भचन कहते हैं कि परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर जिस वस्तु को उसने तेरा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है अगर हम परमेश्वर ने जो निश्चित किया है उसको बदल नहीं सकता है तो बुद्धि क्या है बुद्धि यह है कि परमेश्वर की प्रभुता की अटलता में नम्रता से रहना है जो परमेश्वर ने निश्चित किया है उसको ऐसे माने ऐसे जाने और उसी की इच्छा में जीवन जीना यह बुद्धि है परमेश्वर की मुक्ति का एकमात्र अटल तरीका अगर हम पानी नहीं पीते हैं कुछ दिन के बाद हम मर जाएंगे क्यों क्योंकि हमारे शरीर का सेवेंटी परसेंट तो पानी है किसने हमको इस तरह बनाया परमेश्वर यह ने परमेश्वर यह हमें पानी भी देते हैं और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं जैसे हम शारीरिक पानी को पी के शारीरिक जीवन की रक्षा करते हैं वैसे ही अगर हम आत्मिक जल को पिएंगे तो अनंत जीवन पा सकते हैं ये बाइबल बताती है ये आत्मिक जल क्या है प्रभु यशु मसीह का लहू है जिसने अपने आप को हमारे लिए पाप के प्रश्न के रूप में दे दिया है जो निर्दोष है अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर यानी प्रभु ईशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं तो हमारी पाप क्षमा हो जाते हैं और हम सदा के लिए अनंत जीवन पाएंगे क्योंकि इसी तरह परमेश्वर यहुआ ने निश्चित किया है हमारे मुक्ति के मार्ग को परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को प्रभु ईश्व पर लाद दिया है और प्रभु यीशु का हमारे लिए पाप के प्रायश्चित बना दिया है प्रभु यीशु के क्रूस पर मरने से उनके लहू से हमें शांति मिलती है प्रभु ईश्वर ने कहा था कि युवा चौबान में जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा हिमैन पॉइंट थ्री बुद्धि यहुआ परमेश्वर ही पर निर्भर रहना है आज के वचन चौदह पर लिखा है सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न भूज सके मनुष्य के बारे में याकूब चार के चौदह में लिखा है कि और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या तुम तो मनो जो थोड़ी देर दिखाई देती हैं फिर लोप हो जाती हैं और यशाया चालीस के छह में इस तरह लिखा है कि सब पुरानी खास हैं उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है इसलिए मनुष्य चिंता के साथ भविष्य को जानना चाहते हैं चौथी के लिए बहुत पैसा देते हैं भविष्य की चिंता हमेशा होती है इसलिए पैसा कमाते हैं पैसों पर भरोसा रखते हैं लेकिन कल के बारे में घमंड न करना है क्योंकि तो हम नहीं जानते कल क्या होगा चौदह पद भी यही बताते हैं ना क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को यानी सुख और उस दुख को एक संग रखा है ताकि हम जान नहीं पाए क्यों इस तरह परमेश्वर ने कभी दुख को कभी दुख को इस तरह दिया है इसलिए कि हम भविष्य को न और के द्वारा नाबीस तीन से चार हम पढ़ेंगे तो एक और कारण हमें पता चल जाता है जिसका मान तुझ में धीरज धारे हुए हैं उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है यह हुआ पर सदा भरोसा रख क्योंकि हुआ सनातन चट्टान है। पर हमेशा ये चाहते कि आप उसी ही पर निर्भर रहें उसी की सुरक्षा में रहें अटल सुरक्षा इब्रानियों तेरा अध्याय पांच से छह में लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोपराहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष क्या करो क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे तयागूंगा इसलिए हम धड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है मैं न डरूंगा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है पैसों से प्यार न करना और हमारे स्वभाव को लोभराहित बनाना ये बुद्धि है हाँ हमारे ये आने वाले काल भविष्य अस्पष्ट है हम चिंतित हो जाते हैं जिस तौर से कोरोना वायरस के युग में और ऐसा है लेकिन कौन शांति में रह सकता है कौन निडर होकर रह सकता है वह लोग जो यहुआ परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले जीवन और मृत्यु पर शासन करने वाले यहुआ परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बुद्धिमान हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को यहुआ परमेश्वर को अपना परमेश्वर अपने पिता बनाने वाला ये प्रतिमान है ये परमेश्वर ये हुआ अपने संतानों के लिए यह वादा करते हैं, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा होगा हाल लेकिन परमेश्वर अदृश्य है हम कैसे उनको जान सकते हैं कैसे ऊपर विश्वास रख सकते हैं कौन हमें उस अदृश्य परमेश्वर को दिखा सकते हैं तो बाइबल बताती है प्रई ईश मसी प्रप मसी को आप जितना जानेंगे उतना परमेश्वर को आप जान जाएंगे प्रप पर विश्वास करना परमेश्वर पिता पर विश्वास करना है क्योंकि जैसे क्लोसियों एक पंद्रह में लिखा है प्रप मसी अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है इमेज ऑफ द फर्स्ट बॉर्न ऑल क्रिएशन सीमा को जानना और परमेश्वर का भय मानना है सृष्टि होने के नाते हमारी सीमा को ठीक से जानना और हमारे सृजनहार परमेश्वर योवा का भय मानना यह भुति है भुति से हमारे शारीरिक जीवन की रक्षा होती है परमेश्वर की बुति से हमें अनंत जीवा मिलता है और परमेश्वर की प्रभुता की अटलता में रहना यह पुति है और परमेश्वर की मुक्ति का एकमात्र अटल तरीका को यानी मसीह के लहू पर विश्वास करना वास्तव में पुती है भविष्य को हम नहीं जान सकते इसलिए हम सीमित हैं इसलिए परमेश्वर यो ही पर निर्भर रहना यह पुती है सचमुच में हमको जीवन से आशीष करने वाले और पापों के श्राप से हमें बचाने वाले हमारे रक्षक और हमारे सुरक्षा युवा पर मिश्र पर विश्वास करने वाले बन जाएं ताकि यौवा परम मिश्र की दया आप सभी को मिल जाए आपके संतानों को मिल जाए हाल मैं एक बच्चन पर को पढ़ के समाप्त करना चाहता हूँ भजन संहिता 103 12 से ले 18 तक उदयाचाल अस्तचाल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही युवा अपने दरवेयों पर दया करता है क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है मनुष्य की आयु घास के समान होती है वह मैदान के फूल की नाई फूलता है जो पावन लगते ही ठहर नहीं सकता और अपने स्थान में फिर मिलता है परंतु यहुआ की करुणा उसके दुर्वैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर ही भी प्रकट होता रहता है अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं यह हो परमेश्वर प्रभु यीशु में आप सभी को आशीषित करें और बुद्धिमान बनाएं और अनंत जीवन के आश में प्रवेश कराएं